और आपको राका ने कितना परेशान किया? नहीं पहले आपको राका ने परेशान किया या आपने राका को परेशान किया? परेशान है कोई नहीं है, सब कोई अच्छे से काम किया, मिल बांट के काम नहीं, किया। मैं यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा, राका को इन्होंने परेशान किया। हो सकता फिल्म में, हो सकता है फिल्म में राका का बहन का किरदार में स्कूटी है। ओ अच्छा, ये राका के बहन के पीछे पड़ रहा था। अगर इसके वजह से राका इनको कुछ करता तो करना चाहिए। मुझे पता चला कि लीड रोल आप लोग कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और किस तरह से आपको ये मौका मिला कि इस इतनी बड़ी फिल्म में आप काम कर रहे हो जो फर्स्ट टाइम आसनसोल से एक फिल्म आ रहा है? हम लोग पहले एक तो बंगाली फिल्म किए है, इससे पहले छोटा सा फिल्म था वो, भालवा सत्यनय नाम था उसका। तो हम कुछ यहाँ का एक्टर था, सब कुछ मिल के किए हम लोग, तो वो बहुत अच्छा सक्सेस किया यहाँ पे। हम जे के नगर पे बहुत अच्छा नाम किया, बाहर भी मेरा बहुत दोस्त देखे, फैमिली भी देखे, सब कोई बोला कि नहीं चलो ठीक है, काम अच्छा रहा, ऐसे ही चलना चाहिए। तो फिर ऐसे ही चलते चलते हमारे जो डायरेक्टर है धनंजय मुखर्जी, वो बोले कि और भी प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे तो तुमको लेंगे हम। तो हम बोले ठीक है चलिए कोई बात नहीं हम करेंगे। तो ऐसे हम लोग का फिल्म स्टार्ट हुआ और करते 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 आज इतना दूर आए हम लोग कि फिल्म सबको अच्छा लगेगा, यही उम्मीद है हम लोगों का कि आगे भी ये जाएगा और ऐसे बहुत सारे फिल्म भी बन सकते हैं। अगर सबका सपोर्ट मिलता है तो ज़रूर होगा। अभी ये हम लोगों का फर्स्ट एक फीचर फिल्म है जो यहाँ बनने जा रहा है। आई होप कि सबको अच्छा लगे और ऐसे ही सब कुछ बढ़ते रहे, ये हम लोग का उम्मीद है। और अगर हर कोई सपोर्ट करता है तो और भी बड़ा हो सकता है, हर किसी को मौका मिल सकता है इससे। क्या राय है तुम्हारे इस बारे में, तुम भी थोड़ा बताओ। हाँ, उन्होंने जो बोला सही बोला, मौका मिलना चाहिए, उसको मौका मिल के अच्छा लगा, काम किया उन्होंने। एक्चुअली वो बहुत अच्छा गाना भी गाता है, उसका और एक भी टैलेंट है, वो भी सुनेंगे हम। वो भी सुनेंगे हम लोग, सुन लीजिए, मौका है। मौका है मार देने चीज चौका। हाँ, तो उसके साथ काम करके भी मुझे अच्छा लगा, ही इज़ अ गुड को एक्टर, तो बहुत सपोर्टिव है। काम किए हम लोग, फर्स्ट टाइम काम किए, ऐसा नहीं लगता था कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि बहुत दिन से जान पहचान है। तो फर्स्ट हम लोग मूवी किए हैं, एक फीचर फिल्म है, तो हम भी चाहते हैं कि ऑडियंस सब कोई आके हम लोगों का फिल्म को देखे। ऑडियंस अगर नहीं देखेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑडियंस हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चाहते हैं कि सब कोई आके देखे यार, मूवी फिल्म मेकिंग दैट मीन्स मुंबई या तो कोलकाता, इधर आसनसोल में मूवी बन रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, तो देखना चाहिए सबको, सबको मतलब सबको देखना चाहिए कि मतलब आसनसोल में फिल्म बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आओ सबको ही देखो, हम लोग चाहते हैं कि ऑडियंस आए, मतलब हम लोग का मूवी देखे, यही। और आपको राका ने कितना परेशान किया? नहीं पहले या आपको राका ने परेशान किया या आपने राका को परेशान किया? परेशान है कोई नहीं है, सब कोई अच्छे से काम किया, मिल बांट के काम नहीं, किया। मैं यहाँ पे थोड़ा रोकूंगा, राका को इन्होंने परेशान किया। हो सकता फिल्म में, हो सकता है फिल्म में राका का बहन का किरदार में स्कूटी है। ओ अच्छा, तो ये राका के बहन के पीछे पड़ रहा था। ओ, अच्छा। अगर इसके वजह से राका इनको कुछ करता तो करना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो बताइए कैसा रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस, क्या हाँ वो इतना खतरनाक गुंडा और क्या मतलब राका, इधर राका राका राका, उसके बाद कैसा रहा कि इतना खौफ के बाद भी आपने मिस मधुमक्खी के छत्ते पे आपने हाथ दिया? ये सबको ये सबको जानकर भी ऐसे ही लगा कि फिल्म में अभी जो चल रहा है कि उसका बाहर से आते हैं हम, जितना दूर हमको मालूम है अभी तक हम भी पूरा फिल्म नहीं देखे अभी फिलहाल जो हुआ है। तो जैसा भी हो शायद कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, हमको थोड़ा बहुत याद नहीं है उसका। तो हम जितना दूर जानते थे कि हम उसको लाइक करते जो थे, भी है राका से पंगा हीरो बनना है तो राका से पंगा तो लेना ही है, तब तो हीरो होगा, तब ने पंगा लिया तो। जब आपको पता था कि विलन है राका फिर भी आपने उनका बहन को लेकर भागा, तो ये एक्सपीरियंस बहुत कड़ा था, हम समझ सकते हैं। तो आप लोग के बीच में कैसा था, सबसे ज़्यादा लेट कौन आते थे शूटिंग में?
शूटिंग में लेट जो होता था पहले सच नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं, ऐसा बात है कि हम लोग का शूटिंग मैक्सिमम जो जगह में हुआ तो हम लोग के यहाँ पे जेके नगर में लोकल में ज़्यादा हुआ है। तो सपोज बात है कि हम लोग तो पहले आएंगे, ये अलग बात है, ये लोग बाहर से आता था, होता था। नहीं लेट तो होता ही है, कोई लड़की भी है इतना दूर से आता है हाँ। उसको भी यहाँ रेडी होने पड़ता है। सवाल यही है कि लेट किसका होता है। और जैसा भी हो बहुत अच्छा कोशिश भी किया है इतना दूर से आके वो यहाँ पे। मीन्स अल्टीमेट आप कहना चाह रहे हैं कि स्वीटी लेट कर देती है। खैर चलिए ठीक है, वो घुमा के बोल रहे हैं। और हाँ, और हम आप लेट होते थे कभी कभी होते थे। खैर अच्छा, सबसे ज्यादा रीटेक कौन देता था? ये सारे बता पाएंगे, तो मैंने तो दिया। तो उनसे जब मिलेंगे तो ये उनसे सवाल होगा, लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा रीटेक कौन देता था। रीटेक देना अच्छी बात है, रीटेक जितना दोगे उतनी अच्छी। डायरेक्टर को प्रॉब्लम होता है, नहीं काम उतना अच्छा हाँ, हम लोग तो परेशान नहीं, नहीं हमको तो नाम जानना है कि क्या हो रहा था कैसा, क्योंकि ये सब होता है कि अब पता चलता है कि इतने मेहनत हुए, वो इतना टेक्स वगैरह दे रहे थे, तो सबसे ज्यादा कौन था, किसका देखता है, आपका नाम है इसी में? हम भी देते थे, सबको ही देता था। अल्टीमेट आपको आगे रखा जा रहा है। तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब कर भी सकता है अगर किसी का अच्छा टैलेंट हो सकता है, लेकिन रीटेक भी लेना पड़ता है कभी कभी, कि कभी कभी दिल को भी लगता है कि नहीं इससे बेहतर भी हम कर सकते हैं, और जो डायरेक्टर है उनको भी लगता है कि ये और अच्छा कर सकता है, इसीलिए रीटेक होता है। तो रीटेक होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी में कुछ बाकी रह गया तो उसमें वो आराम से दिखा पाएगा। सबसे ज़्यादा बहाना कौन मारता था इस बीच में, कि अभी बस पहुंच गया रास्ते में, ये यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इस तरह से कौन बहाना कौन मारा करता था, मतलब राका वगैरह कोई भी, सब पूरा ग्रुप से मैं पूछ रहा हूँ। ये ज़्यादातर बाहर से जो आता था, जैसे ये आता था, मतलब अल्टीमेट आप कहना चाह रहे स्वीटी, तीन सवाल था, तीन में स्वीटी है कि स्वीटी ही करता था सर। खैर ये बहुत अच्छा बात है मूवी। आप अब जो ये तो मजाक की बात थी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरियस बात। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं अपने ऑडियंस से? ऑडियंस से मैं बस एक ही बात कहूँगा कि हम लोगों का जितना काम था हम लोग वो कर चुके हैं। आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, कि आप लोग कैसे ये करेंगे सक्सेस इसको। देखिए हम लोगों से जितना हो सकता है हम लोग उतने किए, बाकी सबको देखना है, सबको चुनना है, कि हम लोगों से ही सब कुछ ख़त्म नहीं होगा, सबको लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है, बहुत दूर जाना है सबको। अगर ये कभी भी हो जाता है ना यहाँ पे कुछ, तो सबका फ़ायदा होगा, ठीक ना, हर किसी को अच्छा लगेगा, हर कोई बोल पाएगा यार आसनसोल में शूटिंग हो रहा है, कलकत्ता में भी होता था, आसनसोल भी में होगा, तो गर्व की बात है, ये बहुत गर्व की बात है कि ऐसा होने जा रहा है, कि हो रहा है, और फर्स्ट टाइम ऐसा फेस कर रहे हैं, तो सबको लगता है ना अंदर से कि हम भी कर पा रहे हैं। तो अगर हम कर पा रहे हैं तो हर कोई भी कर सकता है, क्योंकि सबको करना भी चाहिए, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, जो कोई करना चाहता है कर सकता है, तो ये जब आगे बढ़ेगा तो ही कुछ होगा नेक्स्ट। अगर बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है कि किसको कैसा लगेगा नहीं लगेगा, बाकी सब कुछ उन सब के हाथ में है, हम लोग तो कोशिश किए, बाकी अब देखा जाए ऑडियंस को कैसा लगता है। फलासदा ने जो कहा कि सबको साथ में लेके चलना है, चलना चाहते हैं, देखा जाए तो ये फिल्म और ये इंडस्ट्री जो बन रहा है ये उस लिए ही बन रहा है क्योंकि सबको साथ में लेके चलना ही है, हमारा मेन मकसद वही है, इस इंडस्ट्री का, इस फिल्म का मेन मकसद तो वही है। बिल्कुल, क्योंकि ऑल टाइम हम लोग नहीं रह सकते ना, आने वाले फ्यूचर में तो और लोगों का जरूरत पड़ेगा इस फिल्म, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग, सबको साथ लेके चलना ही है। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये फिल्म सिर्फ ये इस टीम का नहीं है, ये पूरे आसनसोल, बर्धमान, बड़ाकर, झारखंड, ये सभी का, जो कोई भी इंटरेस्टेड है हाँ, सबके लिए। और इंटरेस्टेड सीरियसली बहुत अच्छा गाना गाता है। कुछ नहीं इतना बात हुई है क्या गाना, अभी तो हम गाना शायद छोड़ ही दिए हैं, मतलब दो लाइन प्रैक्टिस नहीं है, शेर शिकार करना नहीं छोड़ सकता है, बुरा बात नहीं है। कोई दूसरा गाना गा दीजिए, जरूरी नहीं कि फिल्म का ही गाना। हाँ कोई भी, मेरा गाना हुआ एक तो बंगाली गाना हम जरूर गाएंगे, ओ प्रिया हो जाए।
ओ प्रिया तुमी होएचो मोर रोज भेबे भेबे पारी ना जे की करे बोली तोके आमारे मोनेर कथा हो बोलियो तो माय आमी भालोबाशी आमी शुधु जे तोमाय बस। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए इस फिल्म के लिए हम बहुत बहुत आप शुभकामनाएं करते हैं कि ये फिल्म बहुत अच्छा हो और सबको मौका मिले, इसी तरह आप देते रहें। थैंक यू।